एपिसोड 79। जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मैया चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। ए पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी, बापी कूप सरित सरना, रसभृंगा पूजत कल बहु वरन विहंगा, वरन वरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहई लोभाई, चारु बजारु बिची
पवित्र अंबारी मनिमय विधि जनु स्वकर संवारी। सबके चित्रित जनुरति नाथ चिते रे पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। विबुध बिलोकि बिलास ओत चकित चित कोट बिलोकि सकल भुवन शोभा जनु रोकि। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभाकिनी कही जाति। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाजी गज साला हय गय रथ संकुल सब काला। सूर सचिव सेनक बहुतेरे ध्रुप गृह सारिस सदन सब केरे पुर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहां तह विपुल महीपा। ए हां देखी अनूप एक अमराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक कहे उ मोर मनुमाना इहां रही रघुबीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिला पति पाए। संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भांति।